सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्सीज से भरी एक वर्चुअल दुनिया, जहां एक वायरल वीडियो से रातों रात कोई फेमस हो जाता है तो चंद मिनटों का यही वीडियो किसी की बरसों की कमाई इज्जत पर भी पानी फेर सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहां आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। ऐसी एक कॉन्ट्रोवर्सी जो यूट्यूब कम्युनिटी में टॉप ट्रेंड कर रही है वो है संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस कॉन्ट्रोवर्सी में ना ही पढ़ूं, लेकिन फिर सोचा कि मेरे फॉलोअर्स और दोस्तों को इस टॉपिक पर मेरा स्टैंड पता होना चाहिए। मकसद चलती हुई कॉन्ट्रोवर्सी को बताकर अपने व्यूज बढ़ाने का नहीं है और ना ही किसी को डिफेम करने का है। बात बस इतनी सी है कि मैं बस अपनी राय और इससे मिले लेसन्स को आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो आप कहीं मत जाना और बने रहना इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी का पोस्टमार्टम और देखने वाले हैं कि आखिर मसला क्या है और आप इस मसले से ऐसा क्या सीख सकते हो जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। दरअसल बात तब स्टार्ट हुई जब संदीप महेश्वरी सर के चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में भी हमेशा की तरह संदीप सर यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तभी दो लड़के खड़े होते हैं और वो अपने साथ ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पर हुए स्कैम की बात करने लगते हैं। एक ने कहा कि उसने एक बड़े यूट्यूबर के बनाए हुए बिजनेस कोर्स के लिए 50,000 दिए तो दूसरे ने कहा कि उसने 35,000 दिए, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस कोर्स में कोई वैल्यू नजर नहीं आई, ना ही यूट्यूबर द्वारा किए गए कमिटमेंट पूरे हुए। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि कंपनी ने उन्हें रिफंड देने से मना कर दिया और उल्टा कहने लगे कि आप अपने इन पैसों को कोर्सेज को और लोगों को बेचकर निकाल लो। देखा जाए तो इस वीडियो में जो मुद्दा उठाया गया था वो बहुत सीरियस था और ये भी था कि इससे किसी का भी बिजनेस बर्बाद हो सकता था, इमेज पर दाग लग सकता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया गया था, केवल ये कहा गया था कि वह एक बहुत बड़े यूट्यूबर है। ये वीडियो अपलोड होने के दो दिन बाद संदीप महेश्वरी सर का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें लिखा था कि उन पर और उनकी टीम पर बहुत प्रेशर आ रहा है इस वीडियो को डिलीट करने का, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे। ध्यान से देखोगे तो इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया गया था, यानी अभी तक सब बिना नाम के चल रहा था। लेकिन इसके नेक्स्ट डे संदीप महेश्वरी सर का एक और पोस्ट आता है जिसमें खुलकर वो कहते हैं कि विवेक बिंद्रा ने उनकी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, लेकिन वो डरने वाले नहीं, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उनके साथ है। अगर वो एक वीडियो डिलीट करवाएंगे तो 1,000 और बनेंगे, यानी कुल मिलाकर अब उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अभी तक वो जिसका नाम नहीं ले रहे थे वो विवेक बिंद्रा ही थे। इसके जवाब में विवेक बिंद्रा का पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि चूंकि आपने मेरा नाम लेकर पोस्ट किया है तो मेरा जवाब देना बनता है और मेरी टीम सिर्फ आपसे बात करना चाहती थी, किसी को डराना धमकाना नहीं, और कोई बिना फैक्ट्स के बात करे तो लीगल नोटिस देना मेरा हक है। इसके साथ ही वो अपने इस पोस्ट में अपने फ्री में किए गए कई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में बताते हुए नजर आए। इसके जवाब में संदीप महेश्वरी सर का एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने लिखा, जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन्हें कंघी या कोर्स बेचना कोई स्कैम नहीं है, ये एक रियल बिजनेस है। लेकिन किसी गंजे इंसान को 50 रुपए की कंघी 50,000 में ये दावा करके बेचना कि ये एक जादुई कंघी है जो एक महीने में उसके बाल उगा देगी, ये एक स्कैम है। उस बेकार महंगी कंघी के पैसे वापस ना करना एक स्कैम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उस इंसान से इसे दूसरों को बेचने के लिए कहना डेफिनेटली एक स्कैम है। ऐसे स्कैम्स में लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। इसके बाद संदीप महेश्वरी सर के चैनल पर एक और वीडियो अपलोड हुआ स्टॉप स्कैम बिजनेस के नाम से, जिसके जवाब में बिंद्रा जी ने वीडियो पोस्ट किया बिगेस्ट अटैक के नाम से और इस तरह दोनों के बीच पोस्ट और वीडियो की जंग छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। एक ने कहा कि वो एक हफ्ते में गेम पलट देंगे तो दूसरे ने कहा कि वो लीगल फर्म हायर करेंगे और इंसाफ दिलवाएंगे। अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला करने की जगह आइए हम इस मुद्दे को कुछ ऐसे डिस्कस करते हैं कि कुछ लॉजिकल फैक्ट्स निकल कर आएं जो हम सबके लिए एक आई ओपनर की तरह हो। सबसे पहले देखते हैं कि क्या सच में ये एक स्कैम है या बस एक बिजनेस मॉडल फेलियर। और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ हम कोई पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे कि वो क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था। यहाँ हम सिर्फ केवल उनकी कंपनी, बड़ा बिजनेस और इस कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड उनके रिएक्शंस की बात करेंगे। रिफंड मांगना शुरू किया और यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी रिफंड पॉलिसी में लिखा था कि कोर्स शुरू करने या फ्रेंचाइजी ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर ही पैसा वापस हो सकता है। लेकिन बिंद्रा जी के मोटिवेशन से और कम समय में मिलियनर बनने के चक्कर में लोगों ने यह नजरअंदाज कर दिया। 30 दिन तो सेमिनार और ट्रेनिंग में ही चले गए। जब कमाने की बारी आई और खेल से मजा आया तो रिफंड पीरियड ओवर हो चुका था। तो उसका सोल्यूशन कंपनी की तरफ से आया कि पहले और लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़ो और अपना पैसा और कमीशन ले जाओ। अब अपना पैसा निकालने के चक्कर में कई लोग मिस सेलिंग करने लगे, कुछ भी बोलकर कोर्सेज बेचने लगे और इस तरह उनके इकोसिस्टम में डिससैटिस्फाइड लोगों का नंबर बढ़ने लगा। तो गलतियां कहां हुई आइए देखते हैं। बिंद्रा जी से भी फ्रेंचाइजी बेचने में वही गलती हुई जो MBA चाय वाला से हुई थी।
जल्दबाजी। ना तो उन्होंने आईबीसी बनाने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बैरियर रखा और ना ही उनकी कंपनी ने यह सोचा कि वो अपनी कंपनी का नाम और सेल्स जिसके हाथ में दे रहे हैं वो इंसान सेल्स समझता भी है या नहीं। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, यानी हर कोई हर काम नहीं कर पाता। अब अगर आप सब लोगों को 10 लाख रुपए महीना का सपना दिखाकर फ्रेंचाइजी बेच दोगे और वो आगे नहीं बेच पाया तो कमाएगा कैसे? ऐसे में मिस सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। कबीर दास ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। अगर बिंद्रा जी कोर्सेज बनाने में जितनी मेहनत करने का क्लेम करते हैं उतनी मेहनत फ्रेंचाइजी यानी आईबीसी चुनने पर करते तो शायद कोई मसला ही नहीं होता। दूसरी गलती, ओवर कमिटमेंट। अपने कई वीडियोस में बिंद्रा जी अपने कोर्सेज के बारे में बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आते हैं, जैसे इस कोर्स से आप पूरा बिजनेस सीख जाओगे, 10 दिन में MBA के सभी गुण आ जाएंगे। यहां तक तो ठीक है भाई, लेकिन जब आप मॉनेटरी कमिटमेंट करते हो तो वो लोगों के दिमाग से खेलने के बराबर है। अगर आपने अपना मॉनेटरी कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो फिर जनता आपको छोड़ती नहीं है। सबको अपने आप ही आप एक स्कैमर नजर आने लगते हो, इसलिए नहीं कि आपने स्कैम किया बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। अब देखो, आप IIT, IIM या ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भी ज्वाइन करते हो, वहां भी लाखों रुपए खर्चते हो, लेकिन वहां कोई आपको ये गारंटी नहीं देता कि यहां से डिग्री करते ही आपको 20 करोड़ का पैकेज मिलेगा, इसलिए उन्हें फ्रॉड नहीं बोला जाता। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 50 रुपए का कोर्स 50,000 में बेचते हैं, वो मेरी मर्जी के मैं अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस तय करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप झूठ बोलकर दाम मत बढ़ाओ, ओवर कमिटमेंट करके दाम मत बढ़ाओ। आप जो हो वो बोलो कि हाँ भाई ये कोर्स है, इसको मैंने फलाने फलाने एक्सपर्ट के साथ मिलकर बनाया है, इससे आप ये सीख सकते हो, बस बात खत्म, जिसको लेना है लेगा। क्योंकि और कुछ स्कैम हो ना हो, लेकिन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को गलत पोर्ट्रे करना इंडिया में कंज्यूमर राइट्स के तहत जरूर गलत है। तीसरी बात अगेन, कि आपके बिजनेस में कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है तो आपका फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं चलेगा, वो अल्टीमेटली कोलैप्स ही होगा। बिंद्रा जी के कोर्सेज बिंद्रा जी के चेहरे से बिकते थे, लोग उन्हें मानते हैं, जानते हैं, इसलिए जब तक वो डायरेक्ट बिंद्रा जी से कोर्सेज लेते थे उन्हें सेटिस्फेक्शन था। लेकिन जब कोई आईबीसी किसी को कोर्स बेचता है तब लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर कई सारे बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो भी फ्री में। ऐसे में जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी रिवोल्यूशनरी ना हो तब तक लोग उसके लिए पैसा नहीं देना पसंद करेंगे। आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खाओगे 150 में, चाहे आपके गली में 30 रुपए का ही मिले, क्योंकि उसकी बात अलग है, उसका बर्गर उसका इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग मारुति सर्विस सेंटर से ही करवाना चाहोगे, भले कोई लोकल बंदा सस्ते में ही क्यों ना कर दे, क्योंकि वहां जेन्युइन पार्ट मिलने की गारंटी है। तो पहले आपको कोर्सेज को उस लेवल का बनाना होगा। तो बेसिकली बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस स्कैम है या नहीं, ये तो ईडी और कोर्ट तय करेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये एक बिजनेस मॉडल फेलियर जरूर है। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें 6 लेसन सीखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं क्या। नंबर 1, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जी हाँ, हमने विवेक बिंद्रा जी को तो इतना समझा दिया, आप सबने खूब इंजॉय भी किया, लेकिन क्या आपका और हमारा कोई फर्ज है या नहीं? क्या कोई भी आकर हमसे कहेगा कि चलो मुझे पैसे दे दो, मैं 10 लाख रुपए कमाना सिखाता हूँ महीने के, तो आप इधर उधर से पैसा लेकर चल भी दोगे? भाई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर समय लुटने के बाद विक्टिम कार्ड खेलने से अच्छा है सावधान रहो। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, और ये बात कुछ लोग जानते हैं, और फास्ट लेन से पैसा कमाने वाले इसी लूप होल का फायदा उठाते हैं। तो प्लीज खुद को एजुकेट करो। नंबर 2, अपनी गलती समय रहते मान लेना ही समझदारी है। ये गलती विवेक बिंद्रा जी से हुई है और आप सब ऐसा ना करो, इसलिए मैं इसे लेसन के तौर पर समझा रहा हूँ। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और बिंद्रा जी समझ गए कि उनके बिजनेस में कुछ वीक पॉइंट्स हैं, तो उन्हें गलती मानकर लोगों के पैसे वापस कर देने चाहिए थे। एटलीस्ट जो एलिजिबल है उनके तो वापस ही होने चाहिए, इससे शायद उनके नेटवर्थ में कुछ कमी आ जाए पर उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल, जो आपको भी लाइफ में कभी भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, चोर वही जो पकड़ा जाए। ये लेसन भी बहुत जरूरी है। जब संदीप महेश्वरी सर का पहला वीडियो अपलोड हुआ, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, तब जैसा कि बिंद्रा जी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर कट करके वीडियो डाला गया व्यूज बढ़ाने के लिए, वजह चाहे जो भी हो, इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया था, तो उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर बिंद्रा जी रिएक्ट नहीं करते तो 95% लोग समझ ही नहीं पाते कि किसकी बात हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, और सब वहीं उस वीडियो के साथ खत्म हो जाता। क्योंकि चोर वही जो पकड़ा जाए या चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्होंने रिएक्ट किया और मुद्दा कहां से कहां आ गया। ये लेसन जरूर गांठ बांध लेना चाहिए कि चोर वही कहलाता है जिसकी चोरी पकड़ी जाए। बिना मतलब के कंट्रोवर्सी में कूद कर अपने लिए मुसीबत इनवाइट करने से बेहतर था बिंद्रा जी अपने लेवल पर चीजों को ठीक कर लेते। नंबर 4, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ये आया मेरा फेवरेट पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। बिना 18 घंटे काम किए इलॉन मस्क भी स्पेसएक्स नहीं बना पाते थे।
बिना दिन रात मेहनत के ना चंद्रयान बना और ना ही कोरोना वैक्सीन। बिल गेट्स ने भी मेहनत की थी, जेफ बेजोस भी रात भर जागे थे, मैं भी रात रात भर जागा हूँ, अब भी मैं काम करता हूँ उसी तरह, एंड आई एम श्योर विवेक बिंद्रा जी भी जागे होंगे। लेकिन ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा कि सक्सेस का मेहनत और कमिटमेंट के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जो 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं वो इसी तरह के ट्रैप में फंसते हैं। कोई पैसा डबल करने के नाम से लूटेगा, कोई आमदनी बढ़ाने के नाम से, और आप रिफंड के लिए चक्कर लगाते रहना। लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस बंद हो जाता है भाई, तो वो चक्कर लगाने की मेहनत करने से अच्छा है कि पहले ही आप मेहनत कर लो। नंबर 5, भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। शर्मा जी के बेटे ने फलाना कंपनी ज्वाइन की और एक साल में गाड़ी ले ली, तू क्यों नहीं कर लेता? बस किसी ने ऑडी के साथ फोटो डाली, फॉरेन ट्रिप की रील्स डाली और आप भी उससे इंस्पायर होकर उसे कॉपी करने लगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलती सक्सेस, खुद को समझकर अपने स्किल्स को तराश कर ही मिलती है कामयाबी। अब अगर किसी को याद हो तो कमेंट में बताना कि एक वीडियो में तो मैंने कहा था कि बीइंग कॉपीकैट इज बेटर देन बीइंग इनोवेटर, पर वहां एक लॉजिकल बिजनेस कॉपी करना था। जैसे किराने की दुकान इस गली में भी है तो बाजू वाली गली में खुल सकती है। अगर आपको लगता है कि आप चला पाओगे तो कर लो कॉपी, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए, ये भी याद रखना। तो पहले सोचो, फिर अपना पैसा और टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट करो। और नंबर 6, बड़ी शोहरत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ और कुछ कुछ संदीप सर और बिंद्रा जी जैसे वीडियोस ही बनाता हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कैसे लोग हमसे जुड़ जाते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। मुझे इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर कि मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। ऐसे में हमें लोगों का प्यार और शोहरत तो मिलती है, लेकिन हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छे अच्छे लेसन मिले हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करने में कंजूसी मत करना, लाइक करना कोई स्कैम नहीं है भाई, तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना, किसी के झांसे में मत आना, क्योंकि एक कमर्शियल आता था बहुत पहले, उसकी टैगलाइन थी, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।